हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पेटीएम पोस्टपेड को आप किस प्रकार डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेटीएम के अंदर पेटीएम पोस्टपेड के पोस्टपेड में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको कि जिससे आप डायरेक्ट पेटीएम पोस्टपेड को डीएक्टिवेट कर सकें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको यूज़ करनी होंगी और आपका पेटीएम पोस्टपेड अच्छे से डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास पेटीएम पोस्टपेड था और ये मैंने डिलीट कर दिया, तो अभी मेरे को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों, इसको किस प्रकार आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और ये बिल्कुल नीचे 24/7 हेल्पलाइन एंड सपोर्ट पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन है इसमें आपको सर्च करना है पेटीएम पोस्टपेड कहाँ पर है। चार्ज, पेटीएम वॉलेट, शॉपिंग, पेटीएम कैश, ट्रैवल। तो आप ये देख सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड, ये रहा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी ऑर्डर से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आप देख सकते हैं मैंने पेटीएम पोस्टपेड यूज किया हुआ है, पहले मेरे पास था, तो उससे आप ये कर सकते हैं। अगर आपको अलग, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ अलग है, तो हम नीचे क्लिक करेंगे नीड हेल्प विद नॉन ऑर्डर रिलेटेड क्वेरीज। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप मेरी चैट देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये मैसेज आएगा, आपको लिखना है आई वांट टू क्लोज माय पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट। उसके बाद वो आपको रिप्लाई करेंगे, वी हैव रेस्ट टिकट आई डी नंबर फॉर इशू, वी विल वर्किंग और रेस्पॉन्डिंग 4 आवर्स। तो इसके बाद वो लोग आपको एक डेढ़ घंटे में आपको रिप्लाई करेंगे। वो आपको कन्वेंस करेंगे कि आप पोस्टपेड को लूज़ कर देंगे और भी कुछ है, तो आपको दोबारा रिप्लाई करना है आई वांट टू क्लोज माय पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट परमानेंटली। तो इसके बाद वो आपको मैसेज किया है क्लोज योर पेटीएम फॉरवर्डेड वी सजेस्ट टू 24। तो इसके बाद 24 आवर के अंदर आपका जो अकाउंट है वो आपका क्लोज हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मेल भी कर देते हैं कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया है उसके बारे में। तो अगर नहीं भी करें तो मैंने इनको मेल किया, मैसेज किया है कि आप मुझे मेल कर दें, तो इन्होंने कन्फर्मेशन दिया है कि यो आपका पोस्टपेड अकाउंट ऑलरेडी डिक्यूट कर दिया गया है और नो ड्यूज़ के साथ सर्टिफिकेट आपको ऑटोमेटिकली 24 आवर के अंदर ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो उसने इस प्रकार आप अपना जो है पेटीएम पोस्टपेड डिलीट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस छोटा सा प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रोसेस था पेटीएम पोस्टपेड को डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।